नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग होने वाली है। ठीक है, जो जेई मेन जो एस्पिरेंट है वो तो ये जरूर पूरी वीडियो को देखना। ठीक है, इस वीडियो में एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, जिसको कोविड हो गया था। ठीक है, अभी इतना कोरोना वगैरह का हाइप बनाया हुआ है, तो उस बंदे को कोविड हो गया था, तब भी उसने हार नहीं मानी। ठीक है, प्रॉपर अपनी कोविड के टाइम पे भी जब वो रिकवर हो रहा था तब भी वो अपनी स्टडी करता रहता था। ठीक है, बात भी होती थी उसकी जब उसको कोविड, सबसे पहले उसने बताया था कि भैया मेरे को कोविड हो गया, भैया मतलब बहुत ज्यादा घबरा गया था, तब भी उसने मुझसे बात करी थी। ठीक है, और तब भी बोल रहा था भैया मेरे को चैप्टर्स बता दो, मैं अपनी बुक्स वगैरह लेके आ गया हूँ वहीं पर हॉस्पिटल में और वहीं से पढ़ूंगा। मतलब बहुत अमेजिंग फील होता है यार कि मतलब इतनी तुम्हारे पास, देखो सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उसको कोविड हुआ, तुम्हारे पास कोई और दूसरी प्रॉब्लम हो गई होगी। ठीक है, लेकिन तब भी तुम उस टाइम पर भी तुम कंसिस्टेंट रहते हो, उस टाइम पर भी मेहनत करते हो और फिर ऐसे ऐसे रिजल्ट अचीव करते हो, यार बहुत अच्छी फीलिंग होती है। ठीक है, तुमसे ज्यादा अच्छी फीलिंग मुझे होती है कोई मेरा सब्सक्राइबर जो है वो यहां तक पहुंच पाया। ठीक है, तो सर्वेश की ऐसी स्टोरी है कि उसने ड्रॉप लिया था। ठीक है, और इस बार जिन्होंने ड्रॉप लिया उनके लिए बहुत कम टाइम मिला था, आई थिंक तुम देख पा रहे हो कि चार महीने मुश्किल से। ठीक है, नवंबर तक तुम्हारी काउंसलिंग चली, दिसंबर जनवरी और फैब आई थिंक मार्च को टारगेट करो, तो 3 महीने मुश्किल से। तो तुम्हें 3 महीने में भी देखो ये भी ये टारगेट अचीव कर सकते हो। ठीक है, करा ये सर्वेश ने, और मतलब यार अगर तुम कंसिस्टेंट हो ना तो कर सकते हो। ठीक है, चीजें अचीव कर सकते हो। अभी तुम्हारे पास अप्रैल मई, अगर तुम्हारा मार्च फैब अगर इतना सेटिस्फेक्टरी नहीं गया, तुम्हारे पास अप्रैल मई अटेम्प्ट है। ठीक है, अभी ये जो वीडियो है वो सर्वेश का तुम्हें इंटरव्यू लिया मैंने जस्ट। ठीक है, आई थिंक वो वीडियो पे नहीं आना चाह रहा था, बहुत शाय है, तो मैंने उसका कॉल पे उसको कन्विंस किया कि एक बार सारे जो स्टूडेंट है, ठीक है, उनसे एक बार इंटरेक्ट करो। ठीक है, उनको बताओ अपनी स्टोरी। ठीक है, कि तुम्हारी स्टोरी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, तो मैंने उसको बताया, तो फिर कॉल रिकॉर्डिंग के लिए मतलब मान गया वो। तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग जस्ट इस वीडियो के मैं बाद में लगा दूंगा, मतलब इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा। ठीक है, उसको पूरा देखना, कम से कम 10 से 15 मिनट की कॉल रिकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें सारे क्वेश्चन मैंने पूछे, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे कि मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को कैसे बैलेंस करता था, टेस्ट सीरीज कौन सी थी, और मतलब टेस्ट सीरीज में कैसे टेस्ट सीरीज को देना चाहिए। ठीक है, मतलब कितने घंटे वो पढ़ाई करता था। ठीक है, सारी चीजें देखी, सारी चीजें मैंने इसमें पूछ ली, तो उस अभी ये जो कॉल रिकॉर्डिंग उसको पूरा सुनना। ठीक है, और यार बहुत अच्छा फील होता है यार, मतलब कोई सब्सक्राइबर अगर ऐसे नंबर अचीव करता है ना तो बहुत बढ़िया फील होता है। ठीक है, और बंदे को कोविड हो गया था, समझ रहे हो तुम, मतलब कोविड होने के बाद भी हार नहीं मानी। ठीक है, मतलब पूरा कंसिस्टेंट रहा उस टाइम पर भी, तो तुम देख रहे हो कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है। ठीक है, 79 से 99.37% पहुंचना, देखो ये जोक नहीं है, मेहनत खूब करी होगी, क्या कैसे किया, क्या अचीव किया, सब तुम्हें कॉल रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के बाद मैं तुम्हें कॉल रिकॉर्डिंग प्ले कर देता हूँ। 99.37, देखो मतलब बहुत यार, बहुत बहुत पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन। ठीक है, और मेरे को ये पूछना तुमसे कि मतलब तुम्हें पहले फील कैसा हो रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स का रिएक्शन और तुम्हारा रिएक्शन क्या था जब तुम्हारा ये मार्च का रिजल्ट आया? तो भैया मैं तो मार्च के रिजल्ट से और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा, क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर के ट्रेंड्स की बात करें तो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में भैया मेरे हिसाब से तो मेरा 99.5 से ज्यादा आना था, यानी मैं टारगेट तो वैसे ही करके चला था। ओके, बट 99.37 आया, तो पेरेंट्स तो यानी पेरेंट्स का तो रिएक्शन, यानी पेरेंट्स तो मैं पेरेंट्स को यही बोल के ड्रॉप लिया था कि मैं IIT में जाऊंगा। ओके, पेरेंट्स बोले कि अब तो तुमने एक टारगेट तो अचीव कर लिया है कि तुमको एक अच्छा NIT मिल जाएगा, बट अभी तुम्हें IIT में जाने के लिए और मेहनत करना है। बिल्कुल बिल्कुल, यही होना चाहिए, मतलब कि अपने को अभी बिल्कुल रुकना नहीं है अपन। ठीक है ना, मतलब अभी और अपने को और कर सकते, अपने आपको और पुश करना है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुझे यार ये चीज बताओ कि मतलब जैसे तुम्हारा, तुम ड्रॉपर हो ना सर्वेश, ठीक है, तो तुमने ड्रॉप लिया था, तो तुम्हारा जो 2020 में तुमने जेई दिया था, तुम्हारे 79% थे ना, तुम मेरे साथ कनेक्टेड थे, तो तुम 79% तुम्हारे आए थे ना, तो 79 से 99.36, समझ रहे हो, मतलब कितना तुमने जंप किया, कितना तुमने हार्डवर्क किया होगा वो तुम्हें ही पता है। ठीक है, तो यार 79 से 99.36 तक तुमने ऐसा क्या किया? ठीक है, कि मतलब अभी ऐसे भी बहुत सारे ड्रॉपर्स भी वीडियो देख रहे होंगे, तो तुमने मतलब ऐसा क्या अपनी प्रिपरेशन में किया कि मतलब तुम ये अचीव कर पाए इतना बड़ा टारगेट? तो मेरे केमिस्ट्री में भैया बहुत कम परसेंटाइल थे, यानी मेरा सिलेबस भी बहुत कम कवर हुआ, यानी मेरे बोर्ड्स में भी भैया केमिस्ट्री में शायद 68-70 ऐसी मार्क्स आए थे। ओके ओके, बट मेरा 75 के ऊपर इसी के कारण बन पाया कि मैंने फिजिकल एजुकेशन एंड मैथ्स में थोड़ा खींच लिया था। ओके, तो मेरे अबव 75 ही बने। तो तुमने फिर अपना, तुम्हारा, तुमने बताया कि तुम्हारा वीक सब्जेक्ट केमिस्ट्री था ना, तो तुमने केमिस्ट्री को कैसे किया, मतलब कैसे इतना उसको इम्प्रूव किया? जैसे मैंने सबसे पहले तो भैया मैंने फिजिकल केमिस्ट्री लिया, तो मैंने पहले पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ी। okay. मैंने नोट्स तो मेरे पूरे बने हुए थे, नोट्स okay. बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज किया। okay. और एक बुक आती है एन अवस्थी करिए, उसके मैंने लेवल 1 और लेवल 2 बस सॉल्व किए अभी तक। ओके, है ना, पूरी बुक मैंने कम्प्लीट सॉल्व करी है, बस एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। ओके, क्योंकि वो, क्योंकि क्या भैया सितंबर से लेके
मार्च तक में टाइम सिर्फ हमारे पास बहुत कम था ना, वो भी मैंने हाँ, जो इस बार जिन्होंने ड्रॉप लिया उनके लिए छोटा टाइम स्पान रहा ना ये तो। टाइम स्पैन रहा। हाँ यानी आप बोल सकते हैं अक्टूबर से लेके मार्च तक का ही टाइम मिला, क्योंकि मुश्किल मैंने से मतलब 4 से 5 महीने मिले बस तुम्हें। कोर्स हम कंप्लीट नहीं कर पाए, मैंने कंप्लीट नहीं किया अभी तक भी, है ना। ओके जैसे मैं बता रही, तो मैंने कौन कौन से चैप्टर्स छोड़े थे, तो ओके मैंने केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि मेरा सिलेबस बहुत सारा बचा था। मैथ्स का मैंने पूरा कर लिया था और फिजिक्स का भी मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। मतलब तुमने कुछ केमिस्ट्री में चैप्टर छोड़ने के बाद भी तुमने इतना स्कोर किया ना, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको सारा सब कुछ करके जाना है, कुछ चीज आप छोड़ के भी हाँ स्कोर हाई कर भैया, सकते हो ना। मेरे मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बट मैंने केमिस्ट्री में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जैसे मेरी फिजिकल केमिस्ट्री तो ठीक थी, बट जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक थी भैया, वो तो बिल्कुल जीरो थी ना। मुझे जीओसी चैप्टर भी नहीं आता था ना, मुझे केमिकल बॉन्डिंग आता था। तो देखो तुम्हारे लिए बहुत स्ट्रगलिंग फेस रहा होगा, लेकिन तुमने उस चीज को बहुत ज्यादा कोप अप किया ना उस चीज को। हाँ भैया, तो भैया मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे मैंने 3 चीज के बारे में बताया आपको, तो फर्स्ट चीज तो एनसीईआरटी बहुत जरूरी है बिल्कुल भैया, फिर दूसरी चीज ना टेस्ट देना बहुत जरूरी है, कि बिल्कुल आप उस बिल्कुल पेपर को 3 घंटे में कैसे मैनेज कर सकते हो। जैसे मैंने क्या टारगेट किया था कि मैं मैथ्स को 1 घंटा 15 मिनट दूंगा, केमिस्ट्री ओके को 45 मिनट दूंगा, फिजिक्स को पूरा बना दूंगा, ओके है ना। और भैया ये ऐसे नहीं कि इसी इसी को ही हम वैसा बना लिए कि ऐसी ही मैं पेपर सॉल्व करूंगा। जैसे कभी कभी मैं ये भी चीज अप्लाई करके देखा कि मैं पहले पेपर को पूरे फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लेता हूँ, ओके मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथ्स के ऑर्डर में। जैसे फर्स्ट ताकि कोई इजी राउंड क्वेश्चन ना मैंने छूट जाए ना, पूरा, मतलब पहले एक बार पेपर को हाँ पूरा हाँ रिव्यू कर लेते भैया, हैं। हाँ भैया, तो मैंने मैंने टेस्ट के थ्रू पहले ये चीज मैंने देखी। जैसे मैं जो आपको बताया ना, 15 मिनट्स 1 आवर 15 मिनट एंड सॉरी 45 मिनट्स 1 आवर 15 मिनट्स एंड 1 आवर के बारे में, ये ओके मैं जनवरी के टाइम पे करता था। फिर अच्छा उसके बाद मैंने एक चीज देखी कि मैं इजी क्वेश्चंस बहुत सारे छोड़ दे रहा हूँ, हाँ फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी। तो मैंने फिर क्या स्ट्रैटेजी रखी कि यानी मैं फर्स्ट राउंड ऑफ पेपर पहले कंप्लीट कर लूँ। तो क्या होता है भैया, उसमें मैक्सिमम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हो जाते हैं, और जैसे ओके सेमीकंडक्टर हो गया ओके और आपके थर्मोडायनेमिक्स हो गए दोनों, ये सॉरी और फिजिक्स के, मैथ क्योंकि में वो भी तो कुछ इजी इजी रिलेटेड। होगा जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह, तो उन सब के क्वेश्चन हाँ बहुत हाँ जल्दी बन जाएंगे। बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो भैया ओके उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है बिल्कुल कि भैया बिल्कुल हमने इतने बिल्कुल सवाल कर लिए हैं और तो श्योर शॉट आने ही आने हैं। यानी उसमें यानी वो ऐसे सवाल है कि यानी आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, वैसे सवाल है वो डू एंड डाई वाले ना। डू एंड डाई वाले। हाँ, और मैं थर्ड चीज ये बता रहा था कि एक सिलेबस यानी ऐसा भी नहीं कि पूरा छोड़ के जाना चाहिए। मेरे भैया फिजिक्स में मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये 2 चीज खाली मुझे आती थी, और मॉडर्न फिजिक्स है ना, ये 3 चीज मुझे आती थी। एंड केमिस्ट्री में भैया मुझे खाली फिजिकल आती थी। यानी आप समझिए कि मेरे को रेजोनेंस क्या होता है ये मुझे नहीं पता था जनवरी तक में, अच्छा ये मेरी ये कंडीशन थी। तो मतलब तुमने यार कितना इम्प्रूव किया है, मतलब तुम जो बता रहे हो कि तुम्हें रेजोनेंस वगैरह नहीं पता था, और देखो आज तुम 99.36% डायल करो, ठीक है 99.37% डायल करो, तो भाई हाँ ये सब तुमने तो हार्डवर्क से अचीव किया ब्रदर, ये तो पूरी टोटल तुम्हारी मेहनत है। ठीक है, और मुझे एक चीज ये भैया, पूछनी है कि मतलब जैसे तुम्हें कोविड भी हो गया था, तुमने बताया था ना जब तुम मेरे साथ टच में थे कि हाँ तुम्हें भैया, कोविड हो गया था ना, तो हाँ यार कोविड के टाइम पर ऐसा हो जाता है ना कि यार यार मेरे 4 से 5 महीने या मतलब 1-2 महीने मेरे डिस्टर्ब हो गए, ठीक है, और हाँ पास हाँ बहुत कम टाइम, पहले से हमारे पास बहुत कम टाइम स्पान था, तुम्हारे 1-2 महीने तुम्हें लगा होगा कि ये डिस्टर्ब हो गए हैं, तो उस हाँ टाइम पर तुम्हारा मोटिवेशन क्या था, जैसे हर किसी के कुछ ना कुछ अलग स्ट्रगल्स होते हैं ना, मतलब हर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, तो वो तुम्हारे साथ ये हुआ, ठीक है, तो तुमने इस चीज को कैसे मतलब इस चीज से बाहर निकला, और मतलब ये कैसे ये चीज से इस चीज पे भी तुम कैसे मोटिवेट रहे, सबसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया ये। मेरे साथ ये नहीं, एक चीज ये बचपन से है कि यानी मैं एक भी दिन ऐसा नहीं चाहता कि मेरा एक भी दिन वेस्ट हो जाए। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं आईआईटी की भी जब तैयारी नहीं करता था, तो मैं चाहता था कि कुछ ना कुछ नई चीज मैं सीखूं। ये यानी मेरे बचपन से ही मुझे ये चीज सीखी कि अगर मैंने कुछ नहीं सीखा यानी मैंने मेरा आज का दिन वेस्ट हुआ है। तो क्या हुआ भैया, कोविड के शुरू के 2 दिन तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था कि भाई कोविड, क्योंकि एज यूजल भैया बहुत हवा बना हुआ था कोविड का, हाँ और है भी हाँ थोड़ी वैसी बीमारी। तो बिल्कुल शुरू के उसके बाद यानी भैया 3 4 दिन तो फीवर बहुत हाई था, तो उस वजह ओके से मैं बैठ भी नहीं पा रहा था, ओके तो उस वक्त तो मैं पूरा प्रॉपर बेड रेस्ट नहीं था। फिर उसके बाद 6th और 7th डे में तो थोड़ा रिलीफ लगने लग गया था। यानी फीवर 100 था तो वो 99 तक आ गया था, 99.5 तक। तो तब तक तो थोड़ा बेटर फील हो रहा था, तो मैं फिर पढ़ने बैठ गया था देखो वापस। यार मतलब देखो तुम्हें मतलब तुम कोविड का रिकवर हो रहे थे उस टाइम पर भी तुम पढ़ रहे थे ना, तो वही है यार कि अगर मतलब अगर आपके पास आते हैं प्रॉब्लम्स आती हैं, हर 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 किसी स्टूडेंट के साथ अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो है कि यार हाँ अगर जिसको करना है वो तो कर ही लेता है कैसे भी करके ना, जिसको हाँ करना है, हाँ जिसको हाँ है जुनून है, ठीक है, तो वो तो कर ही लेता है आदमी, ठीक है। हाँ अब मुझे और एक चीज भैया मैं बताओ, एक चीज हाँ और बोलो शेयर करना चाह रहा था बोलो, कि भैया जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि आप कितनी बुक्स को सॉल्व किए। अब हाँ जैसे
कितने घंटे पढ़ते थे, तो जो ये हाँ सवाल जो होते हैं ये इसके जवाब देना थोड़ा जरूरी है। तो बिल्कुल भैया जैसे मैं डेज, मैं ऐसे घंटे को तो नहीं, पर मैं अप्रोक्सीमेशन की बात करूँ तो भैया मैं सोता तो 8 आवर्स ही था, क्योंकि मैं अगर कम सोऊं तो मेरा नहीं चलता था। बिल्कुल और भैया यानी मैं अप्रोक्स 14 to 15 आवर्स पढ़ता था, बाकी जो ब्रेक बचा रहता था तो मैं ओके जैसे लंच कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, तो ओके कोई भी एक मील में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था, बाकी 2 मील में भैया क्योंकि ऐसी ऑलरेडी प्रेशर है तो मैं थोड़ी कॉमेडी वीडियोस देख लेता था, ओके 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 जैसे कपिल शर्मा शो हो गया, ये सब देख लेता था। ओके तो देखो तुम हाँ 14 से 15 आवर्स तुम स्टडी करते थे, हाँ तो हाँ ब्रदर हाँ ये अब तुम ऐसे कुछ टाइम लगा के तो नहीं करते होंगे ना? आई थिंक तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है ना पढ़ने में, नहीं तभी नहीं तुम इतना कभी अचीव कर पा रहे कभी हो। कभी ऐसा भी हो सकता था कि कभी 12 आवर्स ही पढ़ लिए, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि कभी 16 आवर्स ही पढ़ लिए। बिल्कुल बिल्कुल और भैया एक तो प्रेशर इतना ज्यादा रहता है, जैसे क्या था 11th 12th में कभी पढ़ने का मन नहीं है कोई एक दिन, हाँ तो हम छोड़ सकते थे उस दिन को कि भैया आज नहीं पढ़ने का मन कर रहा, होता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। पर अब क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो मैंने शायद वो दिन मेरे साथ 2 3 दिन ही हुए थे, वो ओके जैसे ओके मेरा एक फरवरी वाला जिस दिन रिजल्ट आया था हाँ उस दिन तो मेरा बहुत ज्यादा मूड ऑफ था ओके कि भाई इतना खराब क्यों आ गया, क्योंकि ओके मैं और यानी मैं थोड़ा एक्सपेक्ट भी कर रहा था, प्लस मेरा फरवरी तक में रिजल्ट ही नहीं, ये सॉरी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था। अच्छा हाँ यानी मैं मार्च को ही थोड़ा टारगेट करके चल रहा था, ओके तो यानी मैं अब जितना है मैं तो उतने में ही खुश हूँ। ओके ओके तो तुम अभी अप्रैल और मई को भी दोगे अटेम्प्ट? मतलब तुमने क्या क्या प्लान किया है? भैया यानी मैं बस देने तो जाऊंगा, बट अब मैं ओके मतलब जैसे क्या हुआ, जैसे तुम अप्रैल प्रिपरेशन को एडवांस की करोगे, बस ऐसे देने चले जाओगे ना? नहीं, वो तो करूंगा ही, बट जैसे सपोज मेरा एग्जाम 28th अप्रैल को है ना, ओके ओके तो मैं क्या करूंगा कि 26th को ना जैसे थोड़ा सेमी कंडक्टर जो टॉपिक्स जी में एडवांस में नहीं है ओके ओके उनको ओके थोड़ा रिवाइज कर लिया, हाँ तो क्या होगा भैया कि फिर ऐसा भी नहीं लगे कुछ बिना पढ़े ही देने चले गए, बिल्कुल सही बात तो है। हाँ तो टाइम को हाफ में डिवाइड कर लूंगा उस वक्त, ओके ओके और हाफ में एडवांस और हाफ में मेंस का। बिल्कुल बिल्कुल यार मैं तुम्हें एक एडवाइस दूं, तुम पूरा एडवांस भी स्पेसिफिक रहो, जो तुमने बिल्कुल सही सोचा है, कम से कम जो जेई है उससे 5 से 6 दिन पहले ही मैं एक बार रिवाइज करूंगा, बाकी मैं एडवांस की प्रिपरेशन करते रहूंगा। क्योंकि देखो तुम्हारे 99.36 से मतलब तुम्हें यार जिस एनआईटी पे तुम हाथ रोगे तुम्हें वो एनआईटी मिल जाएगी, ठीक है? तो उस चीज का तुम बिल्कुल लोड मत लो। ओके अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे रहती थी, ठीक है? मतलब तुम कैसे मतलब फिजिक्स को कैसे टाइम देते थे, केमिस्ट्री को कैसे टाइम देते थे, मैथ को कितना टाइम देते थे? हाँ। तो भैया मैं जैसे क्या होता था, जैसे मैं पहले सुबह उठता था तो मेरा तो रूटीन ऐसा था कि मैं 3 बजे सोता था और 11 बजे के आसपास उठता था, ओके ओके क्योंकि मेरा रूटीन वैसे ही था। तो क्या ओके करता था भैया, सबसे पहले तो मैं केमिस्ट्री पढ़ता था, तो ओके जो हमारी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैंने एनसीईआरटी से, क्योंकि मैंने ये जब मेरा जनवरी से सितंबर के बीच में टाइम था ओके तब मैंने थोड़ी केमिस्ट्री में थोड़ा सा फोकस किया था, जिस वजह से मेरा फिजिक्स और मैथ्स पूरा छूट गया था, तो ओके मैंने एक बार केमिस्ट्री तो पढ़ रखा था मैं उस वक्त में, है ओके ना। और तो भैया मैं एनसीईआरटी से ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पॉइंट्स बना बना के ओके मतलब उसमें यानी तुमने उसको रटते जाता इनऑर्गेनिक के था। लिए, इनऑर्गेनिक के लिए ऐसी कोई बुक्स वगैरह फॉलो नहीं करेंगे जैसे जेडीई वगैरह आती है, ऐसे कुछ बुक्स नहीं करेंगे तुमने? तुमने नहीं पूरा नहीं अभी एनसीईआरटी जेई पे फोकस एडवांस रहेगा। के लिए, हाँ अभी जेई एडवांस के लिए तो मैं थोड़ा मेटलर्जी और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए ओके पढ़ूंगा ओके जेडीली। ओके ओके लेकिन अभी हाँ तुमने पूरा सब पूरा इनऑर्गेनिक तुमने एनसीईआरटी से ही किया ना? हाँ भैया पूरा इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से किया है। और ओके भैया मैंने यानी थोड़ा थोड़ा बहुत ना प्रिंस सिंह सर के लेक्चर्स देखे थे ओके केमिकल ओके बॉन्डिंग, ओके उससे क्या थोड़ा आसान हो जाता है केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ना, क्योंकि क्या है उतनी बड़ी थ्योरी आप पढ़ नहीं सकते हो, हाँ है ना। हाँ तो उस वजह से तो आप ऐसे एडवाइजेबल नहीं, बट क्या था क्योंकि मेरे पास कोई क्लासेस नहीं थी और इलेवेंथ ओके ट्वेल्थ भी मैंने ऑलमोस्ट सेल्फ स्टडी ही करी थी, तो फिर ओके ओके उस वजह से मैंने सोचा कि देख लेता हूँ एक बार। बिल्कुल बिल्कुल सही। और यार लास्ट में अपन इंटरव्यू खत्म करते हैं, और लास्ट में तुमसे पूछना है कि यार सर्वेश बहुत ज्यादा तुम इंस्पायर करते हो यार, ठीक है ना? मतलब देखो तुम्हारी जर्नी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है, कि मतलब तुम्हारे 1-2 महीने तुम्हारे कोविड में भी लॉस हो गए, लेकिन तब भी तुमने इतना एक टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है? तो मेरे को मतलब तुम्हारा तुमसे कोई मतलब तुम कोई ऐसा एडवाइस देना चाहते हो, या मतलब कुछ ऐसा कुछ बोलना चाहते हो जो ये वीडियो देखेंगे, ताकि मतलब उन लोगों को उन लोगों के लिए कुछ ऐसा मोटिवेशन लगे, ऐसा कुछ तुम बोलना चाहोगे उनके लिए? भैया जैसे मैं पहले तो जो अपकमिंग यानी जो अप्रैल और मई में एग्जाम्स हाँ देंगे, तो हाँ मैं सबसे पहले तो उनको ये बोलूंगा कि जितने भी 2020 के पेपर्स के पीवाईक्यू है ओके ना, और जो
अभी मार्च अटेम्प्ट किया है, भैया फरवरी अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन के लेवल थे, बट भैया थोड़े क्योंकि क्या है, इस बार मैंने सोचा था कि मार्च वाला जो अटेम्प्ट होगा फरवरी जैसा ही आसान आएगा, बट पेपर देने गया तो मार्च वाला अटेम्प्ट का लेवल थोड़ा बढ़ गया था मैथ्स का रिलेटिवली फरवरी वाले से। तो मैं ये बोलूंगा कि हर वर्स से वर्स सिचुएशन के लिए रेडी रहे, और जो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर देना चाहेंगे, मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी भी इन्हें टाइम है, जैसे जो नेक्स्ट ईयर देना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, एक साल में बहुत अच्छे से जेईई क्लियर कर सकते हो, और बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ो और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो। और मैं बोलूंगा कि ज्यादा बुक्स मत सॉल्व करो, जैसे मैं अपने केस में तो भैया मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी केमिस्ट्री में, मतलब और कम पढ़ो लेकिन बहुत उसको बहुत अच्छे से पढ़ो ना, हमारा यही है ना मोटो। हाँ, कम पढ़ो, जैसे कम बुक सॉल्व करो बट उसको बार बार सॉल्व करो। बार बार तो वही है कि मतलब आप लिमिटेड मटेरियल रखो लेकिन उन मटेरियल को बहुत अच्छे से सॉल्व करो ना, ज्यादा ज्यादा करने से कोई मतलब नहीं है ना। चलो बहुत बहुत बढ़िया सर्वेश यार, तुमसे बहुत बात करके बहुत अच्छा लगा। आई थिंक थैंक यू सो मतलब मच भाई। सब्सक्राइबर को भी बहुत बढ़िया लगा होगा, और हाँ बढ़िया मतलब थैंक तुम्हें एडवांस के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, यू मतलब भाई। क्या पता हम एक और तुम्हारी आईआईटी में पहुंच जाओगे, एक और इंटरव्यू तुम्हारे साथ करेंगे। बिल्कुल ठीक है, हाँ और भाई, हम फिर बिल्कुल तो जितने भी वॉइस कॉल भी वीवर्स वगैरह हैं करेंगे सब भाई। तुम्हारे लिए बिल्कुल बेस्ट विशेस। ठीक है, बिल्कुल यार हाँ हाँ एडवांस के लिए थैंक प्रॉपर यू लग भाई। जाओ आप। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है तुम्हारे तुम्हारे मतलब तुम्हारे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है अब हम लोगों को। ठीक है, तो बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक तुम्हें एडवांस के लिए।